हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कस्टमर के साथ हम कैसे इंटरफेसिंग करते हैं बीपीओज में, डोमेस्टिक बीपीओज होते हैं जो, तो हमने कई की टर्म्स पढ़े थे इसमें, बीप टोन, वर्क स्टेट, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसी के अंदर ही, कॉल ब्लेंडिंग। कॉल ब्लेंडिंग क्या होता है? कंबाइंस ट्रेडिशनली सेपरेट इनबाउंड एंड आउटबाउंड एजेंट ग्रुप्स इनटू वन ग्रुप ऑफ एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉन्टैक्ट्स। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप बना देते हैं, एक एजेंट ग्रुप, जिसमें वो इनबाउंड और आउटबाउंड जो ग्रुप हैं उनको दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और दोनों को मैनेज करके रखता है, वो दोनों को हैंडलिंग करता है, इनबाउंड ग्रुप को भी और आउटबाउंड ग्रुप को भी, दोनों के कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करके रखता है। सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ कॉल ब्लेंडिंग ऑटोमेटिकली पुट्स एजेंट्स हु आर मेकिंग आउटबाउंड कॉल्स इन टू द इनबाउंड मोड एंड वाइस वर्सा। तो इस जो ये सिस्टम होता है कॉल ब्लेंडिंग का, इसमें ये ऑटोमेटिकली जो है एजेंट पास भेज देता है इसको आउटबाउंड कॉल्स को इनबाउंड मोड में। मतलब कि जैसे मान लो कस्टमर की कॉल आपके पास आई है, तो आउटबाउंड कॉल्स है, उसी टाइम ही कॉल ब्लेंडिंग हो गए, वापस से आपकी कॉल जो है इनबाउंड मोड में वापस से कस्टमर के पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारे हुए हमारे कॉल ब्लेंडिंग एग्जांपल। जैसे टुडे वी विल हैव टू रिजोर्ट टू कॉल ब्लेंडिंग एज द न्यू प्रमोशन विल इंक्रीज द इनकमिंग कॉल लोड। कि आज हमने क्या किया, टुडे वी विल हैव टू रिजोर्ट टू कॉल ब्लेंडिंग, आज हमने कॉल ब्लेंडिंग को रिजोल्व किया क्योंकि न्यू प्रमोशन हुई है, विल इंक्रीज द इनकमिंग कॉल लोड, क्योंकि इनकमिंग कॉल जो है ना वो न्यू प्रमोशन के लिए की गई है, कि जो अब कॉल्स हैं आपकी ज़्यादातर न्यू प्रमोशन के लिए यूज़ की गई है, तो कॉल ब्लेंडिंग किया गया है जिसमें आउटबाउंड और इनबाउंड कॉल दोनों को मिक्स किया गया है। कॉल बाय कॉल रूटिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रूटिंग ईच कॉल टू द ऑप्टिमम डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू रियल टाइम कंडीशंस। कॉल बाय कॉल में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रूटिंग ईच कॉल टू द ऑप्टिमम डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू रियल टाइम कंडीशन, कि अकॉर्डिंग टू जो रियल कंडीशन चल रही है, जैसे कि यूजली ऑल एजेंट्स गेट कॉल्स थ्रू कॉल बाय कॉल रूटिंग, जो भी उस टाइम रियल कंडीशन चल रही है उसके थ्रू ही आपकी जो कॉल है उसको अटैच किया जाता है। कॉल फोर्सिंग, इट इज़ एन ACD फीचर्स दैट ऑटोमेटिकली डिलीवर्स कॉल टू एजेंट हु आर अवेलेबल एंड रेडी टू टेक कॉल्स। कॉल फोर्सिंग में क्या होता है कि जो भी एजेंट उस टाइम खाली होता है ऑटोमेटिकली उसको कॉल डिलीवर हो जाती है, उस एजेंट्स को दे हियर ए नोटिफिकेशन, उनको बस एक नोटिफिकेशन मिलती है और कॉल अराइव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए बीप टोन बट डू नॉट हैव टू प्रेस अ बटन टू आंसर द कॉल। बीप टोन आएगी लेकिन आपको आंसर करने के लिए बटन प्रेस करना होगा, तो उसको प्रेस नहीं करोगे तो आप नहीं उसको कैरी कर पाओगे। थ्री एजेंट्स आर अवेलेबल फॉर कॉल फोर्सिंग, मतलब थ्री अवेलेबल हैं ऐसे एजेंट्स जो फ्री बैठे हैं और कॉल फोर्सिंग करी जा सकती है उनके साथ, मतलब उनको ऑटोमेटिकली डिलीवर करी जा सकती है कॉल। ठीक है, कॉल्स इन क्यू, इट इज़ अ रियल टाइम रिपोर्ट्स दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड बाय ACD सिस्टम बट नॉट येट कनेक्टेड टू एन एजेंट एज वी इन फिगर 3.8। जैसे इसमें ये क्या बताते हैं कि रियल टाइम रिपोर्ट में क्या होता है कि जैसे कुछ तो हमारे पास एजेंट है वो हैंडल कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉल्स होती हैं उसको हम क्यू में रख देते हैं कि ताकि अगर कुछ फ्री हो एजेंट तो साथ के साथ उसको कनेक्टेड किया जा सके। द कॉल्स इन क्यू रिपोर्ट इज़ बींग सेंट बाई ईमेल फॉर यू टू चेक, कि ईमेल से आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कॉल्स हैं जो वो क्यू में हैं। ठीक है, कनेक्टेड नहीं होती, वो क्यू में रहती है ताकि जो अगर कोई भी फ्री हो उस टाइम तो उसको कनेक्ट कर दिया जाए। कोलेटरल ड्यूटीज़, कोलेटरल ड्यूटीज़ में क्या होता है, दीज आर नॉन फोन टास्क, ये फ़ोन टास्क नहीं होते, फ़ोन पे काम नहीं होता इस पर, सच एज डाटा, इसमें डाटा एंट्री होती हैं, फ्लेक्सिबल कैन बी शेड्यूल्ड फॉर पीरियड्स व्हेन कॉल लोड इज स्लो, जब कॉल लोड स्लो होता है मतलब कॉल ज़्यादा नहीं आ रहे होते या नहीं करने होते, तो उस टाइम पे हम कुछ ड्यूटीज़ कुछ टास्क होते हैं जो हमें करने होते हैं विदाउट फ़ोन, जो फ़ोन पे नहीं होते। आई एम वेटिंग फॉर सम फ्री टाइम टू फिनिश माई कोलेटरल ड्यूटीज़, मतलब जो ड्यूटीज़ कॉल के अलावा जो और टास्क है वो मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन रूटिंग, कंडीशनल रूटिंग में क्या होता है, इट इज़ कैपेबिलिटी ऑफ द ACD टू रूट कॉल्स बेस्ड ऑन करंट कंडीशन। इसमें जो कॉल को कैसे रूट किया जाता है कि करंट कंडीशन क्या है इस टाइम, जैसे कि इट इज़ बेस्ड ऑन इफ देन प्रोग्रामिंग, इफ देन प्रोग्रामिंग होती है कि अगर ये कंडीशन हो तो ऐसे करेंगे, अगर ये कंडीशन ना हो तो वो करेंगे। जैसे आप लोगों को बच्चों एक्सेल में भी एक बार बताया था, इफ़ में कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो ये प्रोसेस होगी, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो दूसरी प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ऐसे ही बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ कॉल्स इन एजेंट ग्रुप 1 एक्सीड्स 10 देन देयर आर एटलीस्ट 2 अवेलेबल एजेंट्स इन ग्रुप 2 एंड रूट द कॉल्स ग्रुप 2। मान लो एक एजेंट है
नंबर ऑफ कॉल्स इन एजेंट ग्रुप 1x10 कि एक ग्रुप में 10 से ज़्यादा जो हैं वो कॉल्स चली गई हैं, तो क्या होगा, देर एटलीस्ट 2 अवेलेबल एजेंट्स इन ग्रुप 2, मतलब 2 और अवेलेबल एजेंट्स हैं उनको पास कर दी जाएगी, वो कंडीशनल रूटिंग हो जाती है कि 10 से ज़्यादा जिसकी हो गई है उसको छोड़ के दूसरे ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। ग्रुप 2 took several conditionally routed calls कि ग्रुप 2 है जो वो ज़्यादा काफ़ी सारी रूटेड कॉल्स ले चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है डाटाबेस कॉल हैंडलिंग, इट इज़ एन एप्लीकेशन वेयर बाय द ACD वर्क्स इन सिंक विद द डाटाबेस कंप्यूटर टू प्रोसेस कॉल। इसमें जो एप्लीकेशन होती हैं, इट इज़ एन एप्लीकेशन जहाँ पे ACD वर्क करता है सिंक के साथ, मतलब सिंक्रोनाइज डाटाबेस, मतलब कि जो जो आपकी कॉल्स आ रही हैं उसको सबको सिंक्रोनाइज करके रखता है। सिंक्रोनाइज मतलब कि कॉल आ रही है फिर कॉल जा रही है, उसके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है सबका रिकॉर्ड रखना, सही से मैनेज करना उसको। फिर से फॉर एग्जांपल एक कॉलर इनपुट्स डिजिट इनटू ए वॉइस प्रोसेसिंग, एक कॉलर ने जो है वॉइस प्रोसेसिंग के थ्रू कुछ इनपुट दिया है, मतलब कुछ बोला है, द डाटाबेस रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन ऑफ दैट कस्टमर एंड देन इशू इंस्ट्रक्शन टू द ACD ऑन हाउ टू हैंडल द कॉल। कस्टमर क्या करता है, सॉरी, जो डाटाबेस के थ्रू क्या होता है, फिर ACD क्या करता है उसको ACD उसको क्या करता है, उसको हैंडल करता है कि कैसे इसकी कस्टमर की बात को सुन के उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसके इशू को जाने, मतलब उसकी प्रॉब्लम को जाने। जैसे फॉर एग्जांपल वेयर टू रूट द कॉल, व्हाट प्रायोरिटी द कॉल शुड बी गिवन इन क्यू, द अनाउंसमेंट्स टू प्ले, कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी जो कॉल है उसको पहले से प्रायोरिटी दी जाए, कि मान लो कोई अनाउंसमेंट करनी है किसी चीज़ की पहले उसको प्रायोरिटी दी जाए कि उसको पहले हैंडल किया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल CRM इज एडिड बाय डाटाबेस कॉल हैंडलिंग, जो CRM है उसको डाटाबेस कॉल हैंडलिंग के लिए यूज़ किया गया है। तो डाटाबेस कॉल हैंडलिंग में क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव कर रहे हैं कस्टमर से, इशू इंस्ट्रक्शन टू द ACD ऑन हाउ टू हैंडल कॉल, कि उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि जो भी कस्टमर की तरफ से जो भी वॉइसिस प्रोसेसिंग आई हैं या जो भी इनपुट्स आए हैं उनको कैसे इंस्ट्रक्शन दे के हैंडल करना है। जैसे इसने बताया कि एग्जांपल कि वेयर टू रूट द कॉल, कि कहाँ पे रूट करें कॉल को, व्हाट प्रायोरिटी द कॉल शुड बी गिवन इन क्यू, कि कौन सी प्रायोरिटी दी जाए, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसके ही अकॉर्डिंग ही कॉल को अटेंड किया जाए। डिले, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्यू टाइम, इसको क्यू टाइम भी कह देते हैं, द टाइम अ कॉलर स्पेंड्स इन क्यू वेटिंग फॉर एजेंट टू बिकम अवेलेबल। वो ही है ये कि जैसे अगर कोई एजेंट बिजी है तो उसको कस्टमर को क्यू में रखा जाता है कि जब तक अवेलेबल नहीं होता तब तक थोड़ा सा डिले रहता है ताकि उसमें उसको कनेक्ट किया जा सके। टू मैनी डिलेज मीन्स कॉलर्स आर नॉट बींग सर्व्ड, बहुत सारे डिले आ रहे हैं जिसमें कॉलर को सर्व नहीं किया जा रहा, मतलब कॉलर्स की कॉल को अटेंड नहीं किया जा रहा। डिले अनाउंसमेंट्स, दीज आर रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट्स दैट एनकरेज कॉलर्स टू वेट फॉर एन एजेंट टू बिकम अवेलेबल। इसमें क्या किया जाता है, अनाउंसमेंट रिकॉर्डेड की जाती हैं ताकि कॉलर को बताया जा सके कि आप वेट करो, एजेंट आपको जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा। कई बार आप भी कॉल सेंटर पे कॉल करते हो तो ऐसे बोलता है ना वो कि अभी आप क्यू में रहिए, अभी थोड़ी देर में आपको कनेक्ट किया जा रहा है कस्टमर केयर के साथ, तो इस तरह से रिमाइंड करवाता रहता है वो। हैव देयर अकाउंट नंबर रेडी एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सेस अल्टरनेटिव, मतलब वो आपको बोलता है कि अपनी चीज़ें रेडी रखो, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इन सम सिस्टम डिले अनाउंसमेंट्स आर प्रोवाइडेड थ्रू रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट, ज़्यादातर सिस्टम में ये रिकॉर्डेड में करी जाती है, रिकॉर्ड करके रखी जाती है कि आप क्यू में रहिए, आपको कस्टमर केयर से लिंक किया जाता है। द कॉलर हैज़ टू लिसन टू डिले अनाउंसमेंट फॉर 2-3 मिनट्स, मतलब एक कॉलर के पास 2 या 3 मिनट से बस वो अनाउंसमेंट ही सुन रहा है, उसको उसी को ही सुनता जा रहा है वो, ठीक है। जैसे ये डिले अनाउंसमेंट का कुछ एक आपको डायग्राम भी दिखा रखा है, कॉलर डायल द कॉन्टैक्ट सेंटर वाया द PSTN, कॉलर ने डायल किया नंबर, PSTN क्या बेटा, एक सर्विसेज है जिसके थ्रू हम कॉल कनेक्ट करते हैं, तो जो कस्टमर ने कॉल किया, कॉल पिक हुआ, पिक होने के बाद क्या हुआ, कॉलर्स वेट इन क्यू एंड लिसन टू रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट, कॉलर क्या कर रहा है, क्यू में है और वो अनाउंसमेंट को सुन रहा है। सम कॉलर्स लीव वॉइस मेल मैसेज, कुछ कॉलर्स ने वॉइस मैसेज छोड़ दिए, सम कॉलर्स हैंग अप, सब कॉलर्स ने बंद ही कर दिया, ठीक है। द सुपरवाइज़र MI कॉन्टैक्ट सेंटर एप्लीकेशंस टू मॉनिटर कॉल प्रोसेसिंग एंड जनरेट रिपोर्ट्स, सुपरवाइज़र है जो वो इन सारी कॉन्टैक्ट्स को और इस सारे जो कॉल्स आ रही हैं इनको सबको मैनेज करके देख रहा है। उसके बाद कॉल्स आर आंसर्ड बाय एजेंट्स, कुछ कॉल्स हैं देखो यहाँ पे थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक में तो कुछ ने उसको वॉइस मैसेज पे डाल दिया, कुछ ने उसको क्या किया सम छोड़ ही दिया, कट कर दिया, और कुछ ने क्या किया, कॉल्स आर आंसर्ड, मतलब एजेंट ने कुछ की कॉल्स को अटेंड कर लिया, तो ये डिले अनाउंसमेंट में आ जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास एरर रेट. इट इज़ आइदर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ट्रांजेक्शन और द नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्टेप्स इन ए ट्रांजेक्शन. मतलब कि जो भी आप ट्रांजेक्शन हो रही हैं या जो भी एक्टिविटी हो रही है उस टाइम पे, उसमें कितनी डिफेक्टिव हैं, कितनी कॉल हैं या कितनी ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है. इफेक्टिवनेस ऑफ एजेंट इट इज़ डिटरमाइंड बाय देयर एरर रेट, कि उनकी एरर रेट के अकॉर्डिंग इफेक्टिवनेस पता लगता है कि कितनी एरर वो कर रहा है. फास्ट क्लियर डाउन इट इज़ व्हेन ए कॉलर हैंग्स अप इमीडिएटली आफ्टर हियरिंग ए डिले इन अनाउंसमेंट. ये इसमें क्या होता है फास्ट क्लियर डाउन में, कि जो कॉलर है वो कितनी देर में बंद कर रहा है फ़ोन को अनाउंसमेंट को सुन के. तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे. थैंक यू.